अब हम डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ एबनॉर्मेलिटी के ऊपर बात करेंगे जो कि आपको मोर और लेस डेफिनेशंस के साथ ओवरलैपिंग लगेंगे. सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, क्योंकि अक्सर बुक्स के अंदर आप देखेंगे कि डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मेलिटीज दिए हुए हैं, यानी कि एबनॉर्मल बिहेवियर के क्या क्राइटेरिया होंगे, कैसे आप जज करेंगे या आप देखेंगे कि ये बिहेवियर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है. सबसे पहला क्राइटेरिया इज स्टेटिस्टिकल क्राइटेरिया. इसका मतलब है कि नंबर्स एक्चुअली कि जनरली आप सोचते हैं और समझते हैं कि जो मेजोरिटी होती है वो ठीक है, एंड दैट इज मोस्ट लाइकली द केस कि अगर आपका बिहेवियर मार्क डिफरेंस है इन बिहेवियर, देर इज अ मार्क डिफरेंस इन बिहेवियर थॉट्स एंड इमोशंस फ्रॉम अ सोसाइटीज आइडियाज अबाउट प्रॉपर फंक्शनिंग जो कि ज्यादातर लोगों में होती है, तो अगर आप में नहीं है तो इसका मतलब है कि आप ऑड हैं, आप उन लोगों से फर्क हैं जो कि मेजोरिटी एक काम कर रही है. लेकिन ये भी बड़ा ख्याल रखने की जरूरत है कि अक्सर हम कहते हैं कि जी मेजोरिटी इज राइट, ये नेसेसरली ठीक नहीं है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम को फैलाने लगे तो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, तो बहुत से लोग जो थे एक तरफ थे और वो अकेले एक तरफ थे. तो इसका ये मतलब है कि यू डोंट जज पीपल कॉन्टेक्स्ट के बगैर. आपको ये देखने की जरूरत है कि कभी कभार कम लोग जो होते हैं वो भी ठीक होते हैं, उनका बिहेवियर भी ठीक होता है. इसलिए इस क्राइटेरिया के ऊपर काफी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी है कि आप कह रहे हैं कि वो मेजोरिटी जिस तरह सोचती है, मेजोरिटी का जो एक्शन है या ज्यादातर लोगों का, और जो जितना आप मेजोरिटी यानी कि नॉर्म से या एक नॉर्मल कर्व से दूर जाते जाते हैं उतने आप एबनॉर्मल कंसिडर होते हैं. सो ये आपको देखना पड़ेगा कि स्टेटिस्टिकल क्राइटेरिया के ऊपर इस तरह की क्रिटिसिज्म आती है. सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो पर्सनल डिस्ट्रेस है. अगर आप देखें तो ये वो डी है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया, लेकिन पर्सनल डिस्ट्रेस अगेन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मेलिटी विच सेज के बिहेवियर आइडियाज और इमोशंस हैव टू काज डिस्ट्रेस टू बी लेबल्ड एज एबनॉर्मल. कि जब तक वो लेट्स से कि आपको अगर किसी चीज से खौफ आता है और अगर वो खौफ की इंटेंसिटी इतनी नहीं होती कि आप डिस्टर्ब्ड हों या आपको डिस्ट्रेस हो तो आपको एबनॉर्मल, वो बिहेवियर एबनॉर्मल नहीं कंसिडर होगा. सिमिलरली अगर आपको पता है कि ओसीडी मीन के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें अगर एक इंडिविजुअल बार बार हाथ धोता है और अगर वो बार बार हाथ धोता है और वो हाथ धोना उसको डिस्ट्रेस काज नहीं करता, तो फिर वो उसके लिए इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो इसका मतलब है कि वो उसके लिए एबनॉर्मेलिटी का क्राइटेरिया मीट नहीं करता. लेकिन जैसे बहुत सी ऐसे डिस्ट्रेसेस भी हैं जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अलावा भी होते हैं, तो आपको ये देखना है कि उनको आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डायग्नोज या उसको लेबल नहीं करेंगे. थर्ड वन इज अगेन द थर्ड क्राइटेरिया इज डिसफंक्शन. डिसफंक्शन अकर्स व्हेन एन इंटरनल मैकेनिज्म इज अनेबल टू परफॉर्म इट्स नेचुरल फंक्शन. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत सी आपकी फैकल्टीज या आपकी जो एबिलिटीज हैं उनको ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से आपकी डिसफंक्शनिंग अकर होती है. एबनॉर्मल बिहेवियर टेंड टू इंटरफेयर विद डेली फंक्शनिंग. तो आपने देखा कि ये जो क्राइटेरियाज हैं ये डेफिनेशंस के साथ काफी ओवरलैप करते हैं, लेकिन मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन किया कि कर रही हूं कि आपको ये बुक्स के अंदर ये डिस्टिंक्टिवली अलहदा से मिलते हैं. देन द लास्ट क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मेलिटी इज वायोलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स. कि आपके सोशल नॉर्म्स जो हैं वो हैं जो कि आपकी आपकी समाज या आपके माशरा आपके लिए कुछ सेट करता है कि ये आपने करना है ये आपने नहीं करना, और जो वो नहीं करता उसको वो आउट समझता है, या उनसे अगर वो फर्क बिहेव करता है तो वो एक डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, स्केल्स हैं. फॉर एग्जांपल आप किसी के भी बिहेवियर को गुड एंड बैड के पैरामीटर पे देख सकते हैं, आप उसको राइट एंड रॉन्ग के डायमेंशन पे देख सकते हैं, आप उसको जस्टिफाइड एंड अनजस्टिफाइड के डायमेंशन पे देख सकते हैं. तो ये जरूर ये कंटिन्यूम है जिसमें आप देखते हो कि somebody is behaving in a good manner और somebody is behaving in a bad manner. तो ये आपके सर्टन जो सोसाइटी ने नाम सेट किए हुए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं. अब आगे बिहेवियर है दैट वायलेट सोशल नॉर्म्स आर कंसिडर्ड एज डिसऑर्डर्स. सो अभी जो हमने बात की है वो डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ एबनॉर्मेलिटी की है, जिसमें आपका स्टेटिस्टिकल क्राइटेरिया है, डिस्ट्रेस का क्राइटेरिया है, डिसफंक्शनिंग का क्राइटेरिया है और वायोलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स का क्राइटेरिया है.